रूस के 4 इलाकों पर यूक्रेन के हमले के बाद हालात बदल गए हैं। जानकार बता रहे हैं कि इस हमले से रूस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा। खुद रूस अब अपनी सुरक्षा को लेकर अहम फैसले ले रहा है। रूस के एंगल्स एयरबेस, दियाघिवलेव एयरबेस, कर्स्क एयरफील्ड और ब्रयांस्क ऑयल रिजर्व पर यूक्रेन के हमले के बाद सायरन बज रहे हैं। यूक्रेन ने सिर्फ एयरबेस पर हमला नहीं किया बल्कि रूस को मनोवैज्ञानिक तौर पर जोरदार झटका भी दिया है। अब रूस को भी एहसास हो चुका है कि यूक्रेन रूस के अंदर दाखिल होकर हमला कर सकता है। यूक्रेन जब चाहे अपनी मर्जी से यह हमला कर सकता है। यूक्रेन के इस हमले को रूस की रणनीतिक असफलता भी मानी जा रही है, क्योंकि रूस को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि यूक्रेन इस तरह का हमला कर सकता है। इस हमले ने यह भी साबित कर दिया कि रूस के सबसे अहम मिलिट्री साइट अब सुरक्षित नहीं। हालांकि यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर अभी तक इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि हमलों ने रूसी आर्मी की क्षमताओं की पोल खोल दी है। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि रूस भी इस हमले को स्ट्रेटेजिक फेलियर के तौर पर देखेगा। खुद क्रेमलिन के प्रवक्ता डिमिट्री पेस्को ने कहा है कि रूस अब अपने प्रमुख ठिकानों की सुरक्षा को दुरुस्त करने पर काम करेगा। और रूस ने यूक्रेन पर न्यूक्लियर हमले करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि यूक्रेन ज़ापोरिज़्या को तबाह करने की साजिश रच रहा है। यूक्रेन ने रूस पर 4 बड़े हमले किए, वो भी रूस की सीमा के अंदर। रूस के सैन्य ठिकानों पर तबाही मचाएगी। यूक्रेन के बड़े आघात के बाद रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी। क्रेमलिन ने यूक्रेन पर इससे भी बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी। सवाल ये है कि क्या पुतिन अब परमाणु प्रहार का फाइनल फैसला ले चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के 4 एयरबेस को दहलाकर विश्व युद्ध का अलार्म बजा दिया है। कुछ इसी तरह की आशंका अब ज़ापोरिज़्या को लेकर जताई जा रही है। आरोप रूस ने लगाया है और दावा किया है कि यूक्रेन ज़ापोरिज़्या में न्यूक्लियर आतंकवाद फैलाने की साजिश कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्जेई शोइगु ने कहा कि यूक्रेन ज़ापोरिज़्या पर लगातार शेलिंग कर रहा है और जानबूझकर न्यूक्लियर तबाही मचाने की तैयारी कर रहा है। शोइगु ने कहा कि रूस इस प्लांट को बचाने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। हालांकि यूक्रेन रूस के इन आरोपों को शुरू से नकारता रहा है। यूक्रेन की दलील है कि जंग के पहले दिन से ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट पुतिन के कब्जे में है, ऐसे में उस पर हमले के इल्जाम पूरी तरह से बेबुनियाद और गलत है।